बॉलीवुड एक्ट्रेस जीना तमान अपने दौर की सबसे हसीन और खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। यही वजह थी कि फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके अनेक दीवाने थे। इन दीवानों के लिस्ट में देवानंद का नाम भी शामिल था। बॉलीवुड में टीना मुनीम और जीना तमान जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस को लाने का क्रेडिट भी देवानंद को ही जाता है। जीना तमान ने अपनी पहली फिल्म देवानंद के साथ ही किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने देवानंद की बहन का रोल प्ले किया था। लेकिन देवानंद दिल ही दिल में जीना तमान से प्यार करने लगे थे और उन्हें प्रपोज करना चाहते थे, लेकिन वो कभी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। वहीं बॉलीवुड एक्टर संजय खान और जीना तमान की अफेयर की चर्चा। अब्दुल्ला फिल्म के शूटिंग के दौरान संजय और जीना तमान एक दूसरे के नजदीक आ गए। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा था कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। जीनत संजय को लेकर काफी सीरियस भी थी। वह संजय को बार बार शादी के लिए कहा करती थी। संजय खान पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। यही वजह थी कि वह हर बार जीनत की बातों को टाल जाया करते थे। जीनत उस दौरान संजय के भाई फिरोज खान के साथ फिल्म कुर्बानी की शूटिंग भी कर रही थी। मुंबई स्थित ताज होटल की लॉबी में एक पार्टी का आयोजन किया गया। वहां इंडस्ट्री के कई लोग मौजूद थे। जीनत संजय के साथ अकेले में बात करना चाहती थी। संजय जानते थे कि वह उनसे क्या बात करेंगी और इस वजह से संजय उनसे दूर भागने लगे। जब जीनत नहीं मानी तो गुस्से में आकर संजय ने सभी के सामने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।